हेलो दोस्तों, मैं राजेश आप सभी को न्यू स्मार्ट क्लासेस चैनल पर स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग 10वीं कक्षा के गणित चैप्टर नंबर 1 के प्रश्नावली 1.1 के प्रश्नों को हल करने से पहले अंक गणित के आधारभूत प्रमेय के बारे में जानेंगे और कुछ उदाहरणों को भी हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अंक गणित की आधारभूत प्रमेय प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। आइए इसे एक उदाहरण द्वारा समझने का कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ 30 एक भाज्य संख्या है, इसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। तो अभाज्य 30 का अभाज्य गुणनखंड कौन कौन होगा? तो 2 होगा, 5 होगा और 3 होगा। ठीक है, इन तीनों अभाज्य गुणनखंडों को जो 2, 3 और 5 है, किसी भी क्रम में अगर इसे गुणा करेंगे तो हमारा कितना आएगा? 30 आएगा। देखिए यहाँ 3 दूनी 6, 6 के 5 से गुणा करेंगे तो 6 पच्चीस कितना हो जाएगा? 30। यहाँ पे देखिए 3 को 5 से गुना करेंगे 15, 3 पच्चे 15, और 15 को 2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 30। यहाँ देखिए 5 को 3 से गुना करेंगे तो 5 तिया 15, और 15 को 2 से गुना करेंगे तो भी कितना आएगा? 30 आएगा। तो यहाँ पे अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना यह क्या होता है? अद्वितीय होता है। आइए इसके बाद उदाहरण 5 को हल करते हैं। उदाहरण 5 है कि संख्याओं 4 के पावर n पर विचार कीजिए, जहां n एक प्राकृत संख्या है। जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 के पावर n अंक शून्य पर समाप्त हो सकता है। तो यहां लिखेंगे यहाँ यदि संख्या n के लिए संख्या 4 के पावर n शून्य पर समाप्त होगी, यदि किसी n के लिए संख्या 4 के पावर n शून्य पर समाप्त होगी तो वह क्या होगा? 5 से विभाज्य होगा। अब यहाँ देखिए 4 के पावर n, ठीक है, 4 के पावर n को गुणनखंड करेंगे तो हम लिख सकते हैं इसे 2 गुने 2 के पावर n। अब यहाँ देखिए 4 का गुणनखंड करने पर 2 और 2 आया है, तो इसमें अन्य अभाज्य गुणनखंड नहीं है, इसीलिए यहाँ 4 के पावर n को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखने पर अभाज्य संख्या 2 आया है। 2 के अतिरिक्त अन्य अभाज्य संख्या नहीं आया है, तो यहाँ लिखेंगे 4 के पावर n का अभाज्य संख्या सिर्फ 2 है और इसके अतिरिक्त अन्य अभाज्य संख्या नहीं है।
अतः ऐसी कोई संख्या एन नहीं है जिसके लिए चार के पावर एन, सॉरी, चार के पावर एन अंक जीरो पर समाप्त होगी, जीरो पर समाप्त होगी। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद उदाहरण 6 को हल करेंगे जो इस प्रकार है। इसमें प्रश्न है कि संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात कीजिए। यहाँ क्वेश्चन है 6 और 20 का, 6 और 20 का HCF और LCM निकालना है। तो सबसे पहले इन दोनों संख्याओं का क्या करेंगे, अभाज्य के रूप में लिखेंगे, यानी 2 3 हो जाएगा यहाँ पे, यानी इनका अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा, 2 × 3, इनका क्या हो जाएगा, 2 से 2 10 20, 2 से 2 5 10, और इतना ही होगा। ठीक है, तो इसे हम लिख लेंगे यहाँ पे 2 × 2 × 5। अब 2 के पावर कितना हो जाएगा, इनमें 2 हो जाएगा और गुना में 5। ठीक है, ध्यान से समझिएगा कि HCF बराबर इन दोनों में जो उभयनिष्ठ है वही HCF होगा। इन दोनों में जो उभयनिष्ठ है मतलब जो मिल रहा है वही हमारा HCF होगा। और घात पे ध्यान देना है कि जिसमें सबसे कम वाला घात रहेगा और उभयनिष्ठ रहेगा, ध्यान से समझिएगा, जिसमें कम घात रहेगा और वो दोनों में उभयनिष्ठ रहेगा वही हमारा HCF होगा। तो इसमें देखिए ये 3 तो उभयनिष्ठ नहीं है क्योंकि इसमें 3 है, इसमें 3 नहीं है, ये 5 भी उभयनिष्ठ नहीं है, इसमें 5 है और इसमें 5 नहीं है। तो यहाँ पे 2 ही ऐसे संख्या है जो उभयनिष्ठ है, इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, लेकिन कम घात वाला कौन है, ये 2 के पावर 1 है और ये 2 के पावर 2 है। तो जो कम घात वाला रहेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, तो यानी 2 के पावर 1 बराबर क्या हो जाएगा, 2। अब यहाँ LCM क्या हो जाएगा, LCM बराबर लिखेंगे 2 के पावर 2 वाला लेंगे। इन दोनों संख्याओं में जो उभयनिष्ठ है और उनका मैक्सिमम घात हो मतलब अधिकतम घात रहेगा उसको 1 लिखेंगे, यानी 2 के पावर 2 लिखेंगे, 2 के पावर 2 लिखे हैं तो इस 2 के पावर 1 को नहीं लिखेंगे, और जो उभयनिष्ठ नहीं है उन संख्याओं का गुणनफल करेंगे। तो 3 के पावर 1 का गुना 5 के पावर 1, तो कितना हो जाएगा, 2 के पावर 2 को 4 लिखेंगे, 3 के पावर 1 यानी 3, 5 के पावर 1 यानी 5 बराबर, गुना करेंगे तो 4 3 12 को 5 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। यही हमारा क्या आ गया, LCM आ गया। यहाँ पे एक चीज़ और समझना है कि दो संख्याओं का गुणनफल, ध्यान से समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, दो संख्याओं के गुणनफल उनके HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। जैसे यहाँ दो संख्या क्या क्या है, 6 और 20 है, तो इनका गुणनफल यानी 6 × 20, ठीक है, और इनका HCF और LCM का गुणनफल कितना आया, इनका HCF कितना आया है, 2 आया है, और इसका HCF कितना आया है, सॉरी, इसका HCF कितना आया है, 2 आया है, और इसका LCM कितना आया है, तो 60 आया है। अब दोनों साइड गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 6 120 और 60 × 120, ये दोनों क्या होगा, बराबर होगा। अब उदाहरण 7 को देखेंगे। उदाहरण 7 में है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का HCF ज्ञात कीजिए, फिर इनका LCM ज्ञात कीजिए। तो यहाँ संख्या लिख लेंगे,
कितना है? 96 और 404। इन दोनों संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड पहले निकालते हैं, तो 2 से लगाएंगे यहाँ पे, 2 चौके 8, 2 अठे 16, 2 से 24 दूनी 48, 2 से 12 दूनी 24, 2 से 6 दूनी 12, 2 से 3, है ना। अब इसे हम इस प्रकार ले सकते हैं, 2 के पावर 1, 2, 3, 4, 5, 2 के पावर 5 × 3 हो जाएगा। इसी प्रकार इसका भी अभाज्य संख्या निकाल लेते हैं, अभाज्य गुणनखंड 2 से, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 से 101 हो जाएगा, ठीक है। तो इसे हम इस प्रकार लिख लेंगे, 2 के पावर 2 और गुना 101। अब एच सी एफ बराबर क्या हो जाएगा? जो संख्या उभयनिष्ठ है और जिनका पावर कम हो, यानी जिनका घात कम हो, तो ये दोनों संख्याओं में 2 जो है उभयनिष्ठ संख्या है, और 2 का पावर 2 जो है से इसमें घात कम है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 2 के पावर 2 हो जाएगा। तो 2 के पावर 2 कितना हो जाएगा? 4, यानी एच सी एफ कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब इसी प्रकार हम लोग लिखेंगे कि एच सी एफ गुने LCM बराबर दो संख्याओं का गुणनफल होता है। तो दो संख्या कितना कितना है? 96 × 404। अब हमको क्या निकालना है? HCF तो निकाल लिए हैं, तो LCM हमको निकालना है। तो LCM को यहाँ रखेंगे, यानी यहीं छोड़ देंगे, और इसको बटा में ले जाएंगे उधर, 96 × 404 बटा में HCF। HCF कितना आया है? तो 4 आया है, तो यहाँ 4 लिख देंगे, HCF की जगह पे 4 लिख दिए। अब इस 4 से काट देते हैं, कितना हो जाएगा? यानी काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 दूनी 8 और 1 निकलेगा, 4 चौके 16, यानी 24 आ जाएगा। अब इस 24 को और 404 को गुना करेंगे तो कितना आएगा? गुना करने पर आ जाएगा 96 96, यानी 9696 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया LCM। इसके बाद उदाहरण 8 को देखेंगे। उदाहरण 8 में प्रश्न है कि संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो संख्या लिख लेते हैं, 6, 72 और 120। इन तीनों संख्याओं का सबसे पहले क्या करेंगे कि अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे। तो इनका अभाज्य गुणनखंड के रूप में सबसे पहले लिख लेते हैं, तो 2 से 2 3 6, यानी कितना आ जाएगा? 2 के पावर 1 × 3 के पावर 1। इनका अभाज्य गुणनखंड के रूप में कर लेते हैं, तो 2 से 36 दूनी 72, 2 से 18 दूनी 36, 2 से 9 दूनी 18 और 3 से 3 तिहाई 9, यानी इनका कितना हो जाएगा? 2 के पावर 3 × 3 के पावर 2। अब इसी प्रकार इसमें भी कर लेते हैं, 2 से 60 दूनी 120, 2 से 30 दूनी 60, 2 से 15 दूनी 30, अब 2 से नहीं लगेगा, 3 से 3 पचे 15। तो इनका अभाज्य गुणनखंड कितना हो जाएगा? 2 × 2, 2 के पावर यानी 2 के घात 3 हो जाएगा, गुना 3 के घात 1 हो जाएगा, और 5 का घात 1 हो जाएगा। अब इसमें एच सी एफ क्या आ जाएगा? लिखेंगे एच सी एफ बराबर, अब इन तीनों में उभयनिष्ठ देखिए क्या क्या हो रहा है। तो 2 इसमें है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, लेकिन तीनों में 2 के घात किसका कम है? तो इसका कम है, 2 के पावर 1, तो 2 के पावर 1 ले लेंगे। अब 3 देखेंगे, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, और 3 इसमें भी है, तो 3 का घात कितना है यहाँ पे? 3 का घात 1 जो है वो इसमें भी है और इसमें भी है, और 3 के घात यहाँ 2 है, तो 3 के घात यहाँ कितना ले लेंगे? 1 ले लेंगे। अब इन दोनों संख्याओं को गुना करेंगे,
दो के पावर वन का दो, तीन के पावर वन का तीन। इन दोनों संख्या गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 दुनी 6, ये आंसर हो जाएगा। अब एलसीएम, एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, तो जो तीनों में उभयनिष्ठ हो और जिसका घात सबसे ज़्यादा हो, तो इन तीनों में उभयनिष्ठ दो है लेकिन घात ज़्यादा किसका है, 2 के पावर 3 का, तो इसको ले लेंगे। और 3 सब में है लेकिन 3 का पावर जो 2 है वो इसमें ज़्यादा है ना, तो 3 के पावर 2 ले लेंगे। और ये जो है किसी में नहीं है तो एक संख्या इसको भी ले लेते हैं। अब 2 के घात 3 का मान कितना आएगा, 8 आएगा। 3 का घात 2 का मान कितना आएगा, 9 आएगा। अब 5 का घात 1 का मान कितना आएगा, 5। 8 9 72 गुना 5 बराबर 5 दुनी 10 7 5 35 और 1 36, यही हो जाएगा आंसर। ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे प्रश्नावली 1.2 के प्रश्नों के साथ। तो आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मैं ऐसे ही वीडियो और आपके लिए बनाता रहूँ।